हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लड्डू बनाने वाला पार्ट टू। तो पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, मैंने इस प्रकार से लड्डू बनाए हुए थे। और जो लोग न्यू हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और इसका पार्ट वन देखना ना भूलें। पार्ट वन देखेंगे तभी आपको इसकी पूरी रेसिपी के बारे में पता चलेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाशनी और लौंग और जो इलायची होती है उसका मैंने इसमें लगा दिया है तड़का, घी लौंग इलायची का। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो ये सब कुछ बताना मैंने अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको कि किस चीज़ की चाशनी किस प्रकार बनाई जाती है। तो एक तार वाली चाशनी हमें लड्डू के लिए बनानी है, तो वही मैं इधर बना रही हूँ। और बाकी सारा सामान जो है हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पूरा भून ही लिया था। अब सिर्फ लड्डू बांधना बाकी है, लड्डू बनाना बाकी है, तो वही अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिए, चाशनी मेरी बनने लगी है, मतलब गर्म हो जाएगा और एक तार की चाशनी हमको बनानी है। तब तक और तैयारियाँ हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चाशनी हमारी बन रही है। तब तक मैंने रवा को निकाल लिया है, जो सूजी थी उसको, उसमें ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपको डालने हैं डाल दीजिए। इसके बाद जो है जो किसा हुआ नारियल आता है, खोपड़ा, जो भी आप बोलें, किसा नारियल या किसा हुआ खोपड़ा या जो भी आप लोग बोलते हों, वो खोपड़ा मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए चीनी मेरी देख लेती हूँ आ गई है। और एक तार की चाशनी हमको बनानी है और ये चाशनी बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना मैंने अपनी वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में बताया है। अगर आपको नहीं आती है तो जाइएगा मेरे चैनल पर और देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाला है वो इलायची पाउडर। अब हम सारे सामान को मिला लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। तो आप लोगों को मेरी तरफ़ से एक बार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नए हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा न्यू इसी तरीके से अच्छे अच्छे न्यू वीडियोस जो हैं आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाशनी। और चाशनी की गैस जो है मैंने बंद कर दी है, क्योंकि चाशनी हमारी अच्छे तरीके से बन गई है। और बेटा जी भी देखिए यहाँ पर बनवा रहे हैं लड्डू और कितना एंजॉय हम तीनों लोग कर रहे हैं। और बेबी भी इधर ही थी, बट उसको हम लोगों ने बैठने नहीं दिया क्योंकि चाशनी गर्म थी, उसको खिलौने वगैरह दे दिए थे तो वो खेल रही थी। और डर लगता है ना बच्चों को थोड़ा सा गर्म चीज़, कभी कभी वैसे ही गैस नीचे उतारते तो बच्चों को ज़्यादा हैबिट नहीं होती, तो इसीलिए उसको खिलौने दे दिए थे तो वो खेल रही थी। और ये रवा सूजी के लड्डू की जो रेसिपी है, इतने यम्मी और टेस्टी बने थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और रियली में आप लोग मेरे पास होते तो मैं आप लोगों को पक्का खिलाती। और ये देखिए, बेटा जी ने पूरे हाथ दोनों गंदे कर लिए हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, अब जा रहे हैं धोने। तो चलिए हम लोग लड्डू इसी प्रकार बना लेते हैं और आप लोग भी बनाइएगा और सूजी के लड्डू चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेके उसमें हम लोग चाशनी मिलाते जा रहे थे और लड्डू जो है बांधते जा रहे थे। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए, सूजी के लड्डू कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं और कितने अच्छे बने हैं। देखिए गोल गोल हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और ये देखिए, और इसके बाद हम लोग इनको बनाने के बाद बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो इनको पूरा बना लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो किचन से रिलेटेड है, खास करके लड्डुओं से। लड्डू एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रेसिपी मैं कहूँगी जो हर किसी के बस की बनाना
बात नहीं है। एक सही क्वांटिटी में हर चीज़ को डालना बहुत ज़्यादा मेजरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वही आप लोग मेरी वीडियो में पूरा सीखेंगे और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी देसी टिप्स में, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप बनाइएगा। और पक्का मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस प्रकार किस किस के लड्डू कैसे बने हैं, और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप लड्डू बनाएंगे ना, मेरा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों देखेंगे, तो रियली में आप एकदम बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू बना पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने ली है सौंठ, और सौंठ जो अदरक सुखा करके उसका बारीक बुरादा बना लिया है, और सौंठ, और इसमें मैंने डाली है इलायची, इलायची को भी मैंने कूट लिया है। ये पाउडर जो है मैं इसमें डाल दूँगी, ये एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में काम करती है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स को, हमारे जो है हमारे स्टमक जो हम लोग खाना खाते हैं उसको अच्छे तरीके से पचने में हमारी मदद करती है। और इसके बाद अब हम लोग इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। हल्दी जो है मैंने आटा गूंदने में भी ऐड की थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा फर्स्ट पार्ट में। तो ये सेकंड पार्ट में मैं कलर मतलब बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ हल्दी का यूज़ करूँगी। और ये इतनी इफ़ेक्टिव बॉडी के लिए, लड्डू के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। लड्डू बनने के बाद लड्डू इतना अट्रैक्ट करते हैं ना खाने के लिए, कि इतने टेस्टी दिखते हैं, इतना पीलापन इनमें आता है, बस आपकी हल्दी अच्छी वाली होना चाहिए। तो ये देखिए अब हम कर लेते हैं इनको मिक्स। इसके बाद इसमें भी चाशनी डाल डाल के एक एक पार्ट में हम लोग, मैंने एक एक पार्ट में जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट्स मिलाती जा रही हूँ, क्योंकि अब बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लेके मिलाते जा रहे हैं और बांधते जाएंगे लड्डू। तो अब हम लोग इसमें चाशनी डाल देते हैं। तो ये देखिए चाशनी हम लोग डाल रहे हैं और लड्डू बना रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट में हम लोग चाशनी मिलाते हैं, क्यों पूरे में नहीं मिलाते हैं, क्योंकि वो सूख जाता है और फिर बनने में मुश्किल होती है, इसीलिए थोड़े थोड़े पार्ट में मिलाते जाएंगे और बांधते जाएंगे। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। ये देखिए लड्डू हमारे थोड़े से ही बच्चे बनाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे बन गए हैं। देखिए एक परात भर के हम लोगों ने बना लिए हैं लड्डू, और देखने में देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं, और देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं ये। ये देखिए 13 तारीख का वीडियो है ये, एक दिन संक्रांति के पहले, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए इसको मैं सेकेंड पार्ट में आपको दे रही हूँ। और किस किस के मुँह में पानी आया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बचिए गजक बनाने के लिए। तो ये मूँगफली को जो है हमने सब कुछ कर लिया है, साफ़ कर लिया है, छील लिया है, छिलका इसका उतार लिया है। चाशनी देखिए बन गई है, और चाशनी को हमें पानी में डाल करके देखना है, अगर वो कड़क निकलती है तो इसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए अब मैं इसमें मिला दूंगी, क्योंकि आधी गजक हमें मूंगफली की बनानी है और आधी जो है तिल्ली की बनानी है। तिल की जो गजक बनाएंगे वो भी इसी चाशनी में बना लेंगे, मैंने दोनों गजक की चाशनी एक साथ में ले ली थी। और हाँ, इसमें जो चाशनी चीनी वाली बची थी ना, उसका भी मैंने यूज़ किया है, उसी चाशनी में जो है मैंने गुड़ डाल दिया है, ताकि चाशनी जो है हमारे लिए बचे नहीं, इसका रीयूज़ है, बट जब हमारा काम में आ रहा है तो किस लिए। देखिए इसमें भी मैंने और गुड़ डाल दिया है, और ये देखिए मिल गया है अच्छे तरीके से, गैस पर रख के मैंने मिला लिया है। और जो थाली प्लेट मतलब जो परात थी उसको मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से घी लगा करके, और तीन चार थालियां जो है मैंने इसी तरीके से घी लगा करके उनमें पूरे में ग्रीस कर दिया है उनको। और अब हम पूरा मसाला इसमें डाल लेंगे और इसके बाद इसको जमा देंगे। इस ये बहुत जल्दबाजी का काम होता है, क्योंकि अगर आप ये चाशनी कड़क होती है वैसे ही, और थोड़ा टाइम लगाया, ठंडी वैसे ही हो रही है, तो ज़मीन पर वैसे ही फर्स्ट स्पॉट ठंडा है,
तो जल्दी जल्दी जमाना होता है कि मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा मोटा बन जाएगा इसलिए मेरे को कम करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए देखते हैं जमा करके, तो ये देखिए मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो एक और थाली मैंने ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें मैं आधा जो है आधा मसाला उसमें डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से जमा दूँगी। और ये जमाना भी एक टेक्निक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको जल्दी जल्दी फैलाना है इससे और कैसे आपको इसको चिकना करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी इसको फटाफट फैला दिया है और अब हम इसको एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है उधर रखा हुआ है और इस कटोरी की हेल्प से पानी में डुबा डुबा करके इसको चिकना कर देंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी चिकना हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको टाइम का मैनेज करना होगा कि मतलब जो है कि जल्दी जल्दी करें। पानी में डुबा डुबा के देखिए मैं इसको ऐसे करके दबा दूँगी और ये बहुत ही अच्छी बनी थी। देखिए मैं आपको दबा करके बताती हूँ, पूरा अच्छे से पूरी परात में अच्छे से बैठ गई है ये और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम चिकनी और शाइनिंग आई है इसमें मार्केट के ऐसी देखिए। और ये देसी गुड़ में और अच्छे तरीके से बनी हुई है, बिल्कुल घर की है। और इसकी बात ही क्या, और जो बची हुई थी थाली की वो भी मैंने जमा दी है। देखिए वो पानी मैंने रखा हुआ है ना उसमें डुबा डुबा के कटोरी को और इनके ऊपर मैंने अच्छे से घुमा दिया है तो ये शाइनिंग आ गई है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा ना घुमाए वरना ये जो है शाइनिंग इसकी चली जाती है। और इधर हमारा ये वाली चाशनी भी बन करके तैयार हो गई है, तो चलिए बनाते हैं तिल्ली की गजक। देखिए बना रहे हैं हम लोग तिल्ली की गजक और ये देखिए तिल्ली को मैंने भून करके अच्छे से साफ करके रोस्ट कर लिया है, मतलब अच्छे से कूट लिया है इसको, मिक्सर में एक बार चला लिया है और अब हम लोग इसको भी जमा देंगे। और ये देखिए घी भी मैंने गरम करके रखा हुआ है, अच्छे से लगा रही हूँ मैं थालियों में, मैंने लगा लिया है, अब हम इसको भी जमा देते हैं। तो चलिए आप लोग इस तरीके से लड्डू बनाइएगा। किस किस को मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मैं न्यू से न्यू है जो वीडियो आपको दे सकूं। देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी, देखने में ही लग रही होगी कि बहुत ही नरम और इतनी अच्छी, मार्केट से भी अच्छी बनी थी मैं ये कहूँगी। और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ की लड्डू जिन जिन लोगों ने खाया। और ये 15 तारीख को मेरा वीडियो जा रहा है तो मतलब जिन जिन लोगों ने लड्डू को खाया उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छे लड्डू आपने बनाए हैं। तो ये देखिए क्योंकि मेहनत भी मैंने की थी, रात का 2 बज गया था हम लोगों को लड्डू बनाते बनाते, 4 बजे से भूनना चालू किया था, इसके बाद हम लोगों को 2 बज गया था लड्डू बनाते बनाते, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी लेकिन टेस्ट खाने के बाद में पूरी थकान दूर हो गई लड्डू को। तो ये देखिए जम गई है, इसको भी मैं जमा लेती हूँ और ये देखिए अब हम इनको कट करेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं और मैं सभी थालियाँ आपको दिखा देती हूँ एक एक करके।
देखिए मैं चाकू की हेल्प से कट कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी कट कर दूँगी तो ही कटेंगी ये, नहीं तो बाद में फिर ये जम जाएंगी अच्छे से। और ये देखिए हल्की गीली हैं ये, तो तभी इनको कट कर देती हूँ। और ये देखिए किस तरीके से कट हो रही है, बहुत अच्छे से ये है तिल्ली वाली, बहुत अच्छे से कट हो गई थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लड्डू का आखिरी चेहरा और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये देखिए मेरे लड्डू, ये देखिए बना करके हम लोगों ने रख दिए हैं, और कुछ में मैंने जो बूंदी वाला रेड कलर आता है वो डाल करके थोड़े से बनाए।